डिस्काउंट करेंगे हम यहां पे। ए रितिक, रितिक साइड में आर एस एस और एन आई में कट और सीधा उठा के खेल दिया है यहाँ पे। रुको रुको, काफी अच्छा कलेक्शन। हाँ पूछे ना अंपायर ने, पूछे ना रुक 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 अंपायर एक मिनट अंपायर तीन रन चार रन नहीं है, चार रन में अलग मैं आवे तीन रन पिंकेश अंबर तीन रन बोले बैटिंग पे तीन रन में अलग मैं चार रन अलग मैं। और यहाँ पे अंपायर का वाइड का इशारा, एक रन थी स्ट्राइक पे कड़े है मानव चोपड़ा। साइड। और गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं, वोटिंग चालू हो, वोटिंग यांशु आप ऑनलाइन वोट कर सकते हो कौन सी टीम को। इशारा अंपायर की तरफ से, नाइस लेफ्ट बाय मानव चोपड़ा। और उठा के खेल दिया है लेग साइड की तरफ से, वहां पे एक बाउंड्री बहुत बड़ी है, वन बाउंस काफी अच्छा कलेक्ट फील्डर द्वारा, प्रीतम वहां पे फील्डर मौजूद। और इसी बीच मानव चोपड़ा ने दो रन चुरा लिए। इनसाइड एज लगते हुए मानव चोपड़ा का और सिंगल से संतोष। हाँ शिखर कॉर्नर ऑफ साइड पे कट गया, वहां पे कैच का मौका था और दूसरे रन की मांग, भाग चुके हैं दूसरे रन के लिए, चाप पे विकेट बन सकता था वहां पे दो रन। एज द फाइटर्स को एक एक रन बचाना होगा यहाँ पे।
उनको अगर ये क्वालिफाई होना है अगर ये टूर्नामेंट में तो एक एक रन बार या अंदर। हेलो, हाँ उधर ही बैठ जा, उधर ही बैठ जा। भावेश, भावेश नहीं है, जीतू भाई। हाँ, स्कोर अपडेट करना तू वहाँ पे, तू उसके बाद बैठ जा टीवी के बाजू में ही। अच्छा शॉट वहां पे लक्ष्य चोपड़ा का, मिस फील्ड, दो रन इजीली। हेलो हेलो, और इसी के साथ एक ओवर के खत्म होने पे 12 रन बने हैं। सलामी जोड़ी अभी तक क्रीज पे है, एक भी विकेट गया नहीं है अभी तक। और अब गेंदबाजी करने आए हैं संदीप मेहता। वोटिंग चालू हो चुकी है, आप अपने टीम को वोट कर सकते हो। NI ब्लास्टर्स और RSS, जिसको ज्यादा वोट्स मिलेंगे वो टीम क्वालिफाई होगी सेमीफाइनल के लिए। वोटिंग पोल्स चालू हो गई है, आप ट्वीट भी कर सकते हो। दोनों टीम के पास इक्वल रन है, इक्वल एवरेज है, इक्वल पॉइंट्स है, अभी वोटिंग ही उनको जीता सकता है। हियर इज द फाइटर्स, बॉल बस्टर्स, अभी तक दो मैच जीते हैं, दोनों बोनस पॉइंट के साथ जीते हैं। और संदीप यहाँ पे अपने ओवर की शुरुआत करते हुए, अच्छा शॉट वहां पे ऑफ साइड में कट कर दिया था, वहां पे शानदार फील्डिंग आशीष द्वारा। जितेश पालगोटा जाने जाते हैं ऐसे चीकी सिंगल्स लेने के लिए। थोड़ी सी फील्ड में चेंजेस यहाँ पे नजर आ रहे हैं हमें। अच्छा शॉट वहां पे लक्ष्य चोपड़ा का, कोई भी घाई में नहीं दिख रहे लक्ष्य चोपड़ा और जितेश पालगोटा। और लेग साइड पे पुल कर दिया, वहां पे फील्डर मौजूद है, एक रन की मांग और पूरा कर देंगे। काफी शानदार शॉट जितेश पालगोटा द्वारा। इसी के साथ स्कोर आ पहुंचा है 15 रन पर और अभी भी 3 बॉल बाकी इस ओवर की। सीधा खेल दिया है उठा के, क्या फील्डर मौजूद है जी, पे मौजूद भागते हुए संदीप भाई ने काफी शानदार कैच पकड़ा वहां पे, बहुत अच्छी कैच। और लक्ष्य चोपड़ा पवेलियन लौटते हुए, इनके इनफॉर्म बैट्समैन हमारे कैच के स्पॉन्सर्स हैं AB टेलीकॉम और हमारे विकेट के स्पॉन्सर्स
अरे कैच के स्पॉन्सर्स है मैक्सेलॉन और विकेट स्पॉन्सर्स है काफी शानदार सेलिब्रेशन वहां पे संदीप भाई का। हाँ वोटिंग पोस्ट चालू है, आप अपने आपका वोट दे सकते हो, एनआई ब्लास्टर्स और आरएसएस को वोट्स दे सकते हो, जिसके ज्यादा वोट्स आएंगे वही टीम फिनाले सेमीफाइनल खेलेगी। अब बैटिंग करने आए हैं दक्ष पाल गोता। एक फॉर्म गए तो दूसरे फॉर्म चितेश भाई, इनका भी काफी अच्छा नाम है, ये भी काफी तगड़े तगड़े छक्के मारते हैं, लेकिन ये टूर्नामेंट में अब तक उन्होंने कुछ जलवा दिखाया नहीं है। देखो जो प्रैक्टिस मैच सीकर खेलता है ना, वो खाली उनको 10 प्लेयर देखते हैं अपोजिट टीम, जो टूर्नामेंट खेलता है उनको लाखों लोग देखते हैं। यहाँ पे पिक्चर जब रिलीज होती है तो लाखों लोगों के सामने ये पिक्चर रिलीज होती है तो हिट होती है। और सीधा उठा के खेल दिया फिर से संदीप भाई, बिल्ड बॉल के नीचे और शानदार कैच, एक्शन रिप्ले, बैक टू बैक कैचेस, एक्शन रिप्ले था वो संदीप भाई का। हे इज द फाइटर्स, धीरे 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 विकेट लेती हुई। हे इज द फाइटर्स, अगर बोनस के साथ में जीतते हैं तो पॉइंट्स टेबल में फिर अफरा तफरी हो जाएगी यहाँ पे। हे इज द फाइटर्स के काफी सेफ हैंड्स है संदीप भंसाली, दो कैचेस और बॉलिंग में तो संदीप मेहता का नाम ही नहीं है। और इसी के दो ओवर समाप्ति पे 15 रन हो चुके हैं, दो विकेट के नुकसान, दो ओवर 15 रन। और अब बैटिंग पे आए हैं माशुक वर्धन। बॉल बस्टर्स के पास ऑलराउंडर्स की कोई कमी नहीं है। और बॉलिंग की कमान संभालने आए हैं आयुष वानी गोता। ये मैच में अगर हेज द फाइटर्स को कुछ भी पलड़ा चेंज करना है तो आयुष का बड़ा रोल रहेगा ये मैच में। बैटिंग भी अच्छी करते हैं, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं वो। जितेश भाई मेरा मानना है कि हर प्लेयर को अपना 110% देना पड़ेगा, आपका एक प्लेयर आपको मैच नहीं जिता सकता है। लेकिन जब कोई बड़ा प्लेयर लीड करता है सबसे आगे से तो पीछे से फॉलो करने लग जाते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, वो मोमेंटम पैदा करना होता है बड़े प्लेयर्स को, वो मोमेंटम पैदा करना आता है बड़े प्लेयर्स को। और इसी के साथ आयुष तैयार है अपने रनअप के साथ, उठा के खेल दिया जितेश भाई ने एक और बार, संदीप भाई बॉल के नीचे, ओहो ये भी कैच हो सकती थी लेकिन संदीप की बहुत अच्छी ट्राई है वहां पे। आयुष के रिएक्शन से आप देख सकते हैं, क्योंकि जब आप इतना अच्छा परफॉर्मेंस करते हो, हेलो, उसके बाद आपके प्लेयर्स आपसे उम्मीद नहीं करते। हेलो, पर फिर एक और बार तैयार आयुष वाणी गोता, और पीछे साइड में खेल दिया, वहां पे फील्डर मौजूद है और एक और कैच, बॉल द बस्टर्स का तीसरा विकेट जितेश पाल गोता के नाम पे। काफी बढ़िया बॉलिंग वहां पे आयुष की। और हमारे जो लास्ट मैच हुआ एनआई वर्सेस शारजा का, उसका मैन ऑफ द मैच हमें मिल चुका है मनीष भंसाली। कॉन्ग्रेचुलेशन मनीष भंसाली फॉर द मैन ऑफ द मैच। और काफी शानदार कैच पकड़ा यहाँ पे हार्दिक भाई ने। और टीम के बड़े प्लेयर संदीप आयुष से कुछ बात करते हुए कि जो मोमेंटम मिला है उसे कैरी करे। और अब आए हैं बैटिंग पे नीलेश बोरा।
नीलेश बोरा ने भी एक भी बॉल नहीं खेली है और ना ही माशुक ने। एक अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पर दिखानी पड़ेगी माशुक को और नीलेश भाई को, हेज द फाइटर्स की टीम को। अगली बॉल आयुष टू नीलेश, अच्छी ड्राइव वहां पे खेल दिया है, वहां पे फील्डर मौजूद है, काफी बढ़िया कलेक्शन, सिंगल की मांग और काफी शानदार तरीके से पूरा करेंगे। अच्छी फील्डिंग वहां पर हेज द फाइटर्स के प्लेयर्स से। ऐसे ही सिंगल्स डबल्स से अपनी पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ेगी इन दोनों बल्लेबाजों को। शिखर स्कोर अपडेट, स्कोर और बॉल बस्टर्स का स्कोर पहुंच चुका है शिखर 19 रन्स 2.4 ओवर्स 3 विकेट। 19 रन। अगली बॉल, अच्छा घुमाना चाहते थे लेकिन वाइड बॉल, अंपायर का वाइड का इशारा, एक्स्ट्रा आता हुए। नेक्स्ट बॉल आयुष टू नीलेश, बहुत अच्छी बॉलिंग आयुष की यहां पर, साइड में घुमाने की कोशिश और थी ये छोटी सी मिसफील्ड वहां पर विकेट कीपर द्वारा, और इसी के बीच दोनों बल्लेबाज काफी क्विक थे, एक रन चुरा लिया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, जब तक ये दोनों बल्लेबाज काफी बड़े बड़े हिट लगा सकते हैं भावेश भाई। अच्छा टारगेट, अच्छा टारगेट सेट करे हेज द फाइटर्स की टीम के लिए। अगर ये दोनों खड़े हैं तो बॉल बस्टर्स को ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही होगी। अभी अगली बॉल आयुष टू माशुक, अच्छा प्लेसमेंट वहां पर और फील्डर मौजूद, बहुत अच्छा स्टॉप वहां पे फील्डर्स का। तीन ओवर के समाप्ति पे 22 रन पे आ पहुंचा है स्कोर 3 विकेट के नुकसान पे। नीलेश बोरा और माशुक वर्धन इस समय क्रीज पे है। 3 ओवर 3 विकेट 22 रन बॉल बस्टर्स। अगला ओवर हेज द फाइटर्स से डालेंगे, इंपॉर्टेंट ओवर ऑफ द इनिंग। संदीप बंसाली अच्छी बॉलिंग करते हैं, ज्यादा रनिंग नहीं करते, एक्सपीरियंस प्लेयर्स है यूसीसी के और हेज के भी। माशुक वर्सेस संदीप बंसाली, दोनों ही अपने बारे में अप्स एंड डाउन्स जानते हैं, दोनों को ही पता है क्या करना है उन्हें। कैप्टन को पता है कि बॉल बस्टर्स पे थोड़ा सा प्रेशर है तो अपने सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर को बॉल दे दी है। अर्ली उन्होंने अपने 3 विकेट खो चुके हैं। माशुक को यहाँ पर एक लंबी पारी खेलनी होगी, अच्छी बॉल वहाँ पर संदीप की, एम्पायर का डिसीजन का वेट करेगा और ये पहली वाइड ओवर की शुरुआत में ही एक एक्स्ट्रा। आशा करते हैं कि संदीप कमबैक करे। अगली बॉल संदीप टू माशुक और ये अगेन वाइड बॉल, धीमी शुरुआत यहां पर संदीप बंसाली की। अच्छा प्लेसमेंट वहां पर, चीकी सिंगल्स, सिंगल डबल से गेम को आगे बढ़ा रहे हैं इस समय पे माशुक वर्धन। अच्छी बॉलिंग वहां पर संदीप बंसाली की, अच्छा कमबैक किया। अब स्ट्राइक पे है, अच्छा घुमाना चाहते थे लेकिन बॉल एज लगी, पीछे फील्डर मौजूद आशीष पालगोता, अच्छी फील्डिंग की वहां पर उन्होंने। बैकअप कोई भी नहीं था, क्या यहां पे दूसरा रन मिल सकता है? जी हाँ, अंपायर का डिसीजन, नो इशारा का इंतजार कर रहे हैं हम, नो कीपर द्वारा आउट की अपील थी। और अंपायर का इशारा और हमारे मैन ऑफ द मैच लास्ट मैच के मनीष बंसाली, बहुत ही शानदार पारी खेली उन्होंने अपने टीम के लिए, अकेले आखिर तक क्रीज पर खड़े थे, अभी भी आप उनकी रनिंग देख सकते हैं।
इज द फाइटर्स टॉस जीत के फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। अगली बॉल संदीप तो निलेश और ये फिर से वाइड एक्स्ट्रा। एक और बार अंपायर का इशारा वाइड बॉल। यहाँ पे कीपर से थोड़ी सी बातचीत चालू है और इन प्रेशर बॉलर इज ऑन प्रेशर। एक और बार तैयार संदीप भाई। नेक्स्ट बॉल संदीप तो निलेश। अच्छा शॉट वहां पे निलेश का, पर शायद लगा था बॉल खिर के घुमा और एक रन। यहाँ पे बैट चेंज का इशारा निलेश भाई द्वारा। अच्छा मैच यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है, बॉल बस्टर्स वर्सेस हेज द फाइटर्स। अच्छा मैच हेज द फाइटर्स के सारे प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चलेगा कितने इनटू द मैच है। अच्छा शॉट वहां पे माशुक का, पुल कर दिया है और ये चौका। कोई भी फील्डर मौजूद नहीं था, किसी भी फील्डर के पास इस चौके का जवाब नहीं। इस प्लेयर अच्छा की शौट। जितनी तारीफ करूं मैं उतना कम है भावेश भाई। माशुक वरदान, जब से यूसीसी चालू हुआ है उसी समय से इस प्लेयर का नाम भी गूंज रहा है, माशुक वरदान। अपने चौकों और छक्कों से जाने जाते हैं, अपनी फील्डिंग से जाने जाते हैं, अपनी बॉलिंग से जाने जाते हैं, माशुक वरदान एमवी। बहुत ही अच्छा शॉट और ये बैक टू बैक वन बाउंस फोर डीजे। बहुत ही महंगा ओवर हेज द फाइटर की टीम से। मैं इसी की बात कर रहा था भावेश भाई कि माशुक वर्धन जब तक क्रीज पे खड़े हैं ये अपना घेर कभी भी सावधान सावधान सावधान। क्या हुआ भाई, क्या हुआ भावेश भाई? नहीं नहीं कुछ नहीं, गेम ऑन रखिए। और यहाँ अपील है और अंपायर का इशारा और ये बहुत ही अच्छा विकेट मिला यहाँ पर संदीप भंसाली को माशुक वर्धन का, जिस चीज के लिए संदीप भंसाली को बुलाया गया और माशुक वर्धन चले डग आउट। वो काम बड़े ही अच्छे से उन्होंने करके दिया है अपने कैप्टन को। थोड़ा सा महंगा ओवर जरूर साबित हुआ था, विकेट पर काफी बड़ा विकेट, काफी बड़ा विकेट। स्कोर अपडेट, स्कोर अपडेट हो चुका है चार ओवर होने के बाद 37 रन्स 4 विकेट के नुकसान पे 37 for 4। माशुक वर्धन 5 बॉल खेल के 11 का स्कोर बना के अगले बैट्समैन गौरव वानी गोता। गौरव वानी गोता हमारे यूसीसी के हार्दिक पांड्या है। स्ट्रेंथ की बात क्या ही कहूं, बड़े बड़े छक्के मारता है ये। अगला ओवर हेज द फाइटर्स से। आयुष वानी गोता और आयुष वानी गोता अपना इस इनिंग का दूसरा ओवर डालने के लिए तैयार है। पहला ओवर उनका अच्छा खासा गया था, काफी अच्छा गया था उनका पहला ओवर। होप करते हैं अपना ये सेकंड ओवर भी कम रन दे, अच्छी डॉट बॉल्स और अच्छे विकेट्स ले अपनी टीम के लिए। नेक्स्ट बॉल आयुष टू निलेश। अच्छा शॉट आगे खेल दिया है वहां पे और व्हाट अ बेटर कैच, इससे अच्छा कैच आपको नहीं देखने मिलेगा। संदीप भंसाली का वोड़ा कैच संदीप मेहता का, डीजे वोड़ा कैच, तालियां बजती रहनी चाहिए ऐसे कैच पर। कहां थे हो और कैच पकड़ने के लिए कहां से कहां पहुंच गए। और निलेश भाई चले पवेलियन इसी कैच पर, वोड़ा कैच बाय संदीप मेहता, इसी के लिए वो जाने चाहते हैं।
और यहाँ पे तारीफ थोड़ी बॉलर की भी करनी पड़ेगी, आयुष वानीगोता की शानदार गेंदबाजी। आते ही उन्होंने एक विकेट झटकाया अपनी टीम के लिए। नाम याद रखिए, आयुष वानीगोता द पबजी लवर। कल ही शिखर हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर बारिश हुई तो डिसीजन कैसे रखेंगे, तो किसी ने बोला कि जितने प्लेयर्स है यूसीसी में टीम के तो पबजी से डिसाइड करेंगे। क्या किसी ने बोला कि वन साइड हो जाएगा अगर आयुष खेला एज द फाइटर से पबजी, तो ऑल शिखर डिनर गोज टू आयुष। पबजी में नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया हुआ है आयुष वानीगोता ने। वापस मैच पर आ जाते हैं, अगली बॉल। अपने साथ साथ सुंदर का भी नाम रोशन किया है आयुष वानीगोता ने। अगले बैट्समैन, अच्छा शॉट ऑफ साइड में कट कर दिया फील्डर वहां पे, बॉल का पीछा करते हुए आकाश खड़े हैं वहां पर। दो रन की मांग थी वहां पे निमेश की और बड़ी आसानी से पूरा कर दिया था। तीसरे के लिए भी बोल रहे थे स्काई की अच्छी, पर गौरव ने नकारा। अगली बॉल, एक और बार ऑफ साइड पे कट गया है, वहां पे फील्डर मौजूद था। एक ही रन चुराने देंगे इसी के साथ। काफी क्विक फील्डर्स, काफी एक्यूरेट थ्रो। स्कोर अपडेट 40 रन हो चुके हैं, 4.3 ओवर, 5 विकेट। ऑफसाइड में एक और बार कट किया है फील्डर, बॉल का पीछा करते हुए और ये मिस। पैर से बॉल रोकना चाहते थे लेकिन दो रन की मांग थी। निमेश दौड़ चुके हैं तीसरे रन के लिए, कोई वहां पे बैकअप के लिए मौजूद नहीं था। तीन रन अगर थ्रो, बहुत ही चतुराई से तीन रन कंप्लीट किए वहां पर। थ्रो अगर सीधा क्रीज पे होता तो शायद ये एक सिंगल काफी भारी पड़ता था बॉल बस्टर्स को, क्योंकि निमेश भी काफी बड़े बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। भावेश भाई, निमेश वानीगोता की हमने बैटिंग देखी है मैक्स पावर में, बहुत ही अच्छा खेलते हैं सूझबूझ के साथ, अपनी हाइट और बॉडी का इस्तेमाल करते हैं और अपनी इनिंग्स को बिल्ड करना जानते हैं काफी अच्छी तरीके से। नेक्स्ट बॉल, व्हाट अ शॉट, सीधा खेल दिया है। संदीप खड़े हैं वहां पे, काफी अच्छा स्टॉप वहां पे, एक रन ही चुराने देंगे। एक्यूरेट थ्रो, अच्छी फील्डिंग वहां पर संदीप बंसाली की, अच्छा स्टॉप। इतनी कड़क धूप में सराहना करनी पड़ेगी हमारे फील्डर्स की। अपने ओवर की आखिरी बॉल डाल रहे हैं आयुष, और ये वाइड का इशारा अंपायर द्वारा ऑफ साइड पे कट करने की कोशिश थी गौरव की, पर उन्हें लगा कि ये बॉल थोड़ी सी डायरेक्शन आउट है, तो अच्छा लेफ्ट। नेक्स्ट बॉल, और ये उठा दिया है गौरव ने वहां पर, और ये मिस वहां पे मौजूद, और ये चौका शायद। इसी के साथ स्कोर अपडेट शिखर, इसी के साथ स्कोर आ पहुंचा है 5 ओवर की समाप्ति पे, 49 रन्स 5 विकेट के नुकसान पे। 49 रन्स हो चुके हैं, काफी अच्छा शॉट मारा था वहां पर गौरव वानीगोता में, जैसे आप लाइव पे देख सकते हो। थोड़ा सा कॉलिंग में इशू वहां पे और 4 रन का मुआवजा। 49 रन्स हो चुके हैं 5 ओवर के बाद, 5 विकेट गिर गए हैं बॉल बस्टर्स के। अब बॉलिंग डालने आ रहे हैं आकाश, आकाश वानीगोता द स्काई, ही हैव नो लिमिट्स। आकाश की क्या ही बात करूं, एक अपने इंडियन टीम में है सूर्य कुमार यादव और एक यूसीसी में है आकाश।
अगली बॉल। अच्छा ड्राइव वहां पर निमेश वानी को तक आस्ता स्टॉप विक्रम का। अच्छा बैकअप हेज द फाइटर्स के फील्डर से। अच्छा कोऑर्डिनेशन यहाँ पे काफी शानदार क्रिकेट आपको देखने मिल रहा है हमारा यूसीसी 6। अच्छी बॉलिंग अच्छी फील्डिंग अच्छी बैटिंग हम कहते हैं कि ये यूथ यूसीसी है। और ये वाइड गौरव वानी को तो स्ट्राइक पे है आकाशवाणी को तब बॉलिंग डाल रहे लेग साइड पे मारने की कोशिश थी पर कीपर द्वारा थोड़ी सी मिसफील्ड बॉल को चेस कर रहे आशीष पर रोक नहीं पाएंगे और यहाँ पे बाउंड्री। कीपर है हमारे विकास विकास पाल गोता अवनी यश पानी काफी शानदार चेस था वहां पे आशीष भाई का स्कोर अफसोस रोक नहीं पाए। स्कोर हो चुका है स्कोर आज पहुंचा है 55 रन्स 5.2। इस ओवर में दो गेंदें डाली गई है ऑफ साइड में कट कर दिया है वहां पे फील्डर मौजूद है हल्की सी मिसफील्ड दो रन की मांग दी बड़ी ही आसानी से पूरा कर देंगे वहां पे गौरव वाणी गोता काफी शानदार शॉट। भावेश भाई मैं इसी की बात कर रहा था गौरव वाणी गोता बड़े बड़े शॉट्स तो मार ही सकते पर गेम चलाना जानते हैं उनकी टीम ही इतनी स्ट्रांग है कि उनकी जरूरत पड़ती नहीं है टीम को लेकिन आज जब जरूरत पड़ी है तो वो पूरे खरे साबित उतर रहे हैं अपनी टीम के लिए। अच्छा शॉट घुमाना चाहते थे छूके वहां पर आकाश की बॉल पर काफी जिम्मेदारी भरा क्रिकेट यहाँ पे देखने मिल रहा है गौरव वाणी गोता द्वारा 5 गेंदे 9 रन पे खेल रहे हैं इस ओवर में और 2 गेंदे बाकी है आकाश भाई की। और फिर छूके यहां पर एक और बार ऑफ साइड पे खेलने का ट्राई कर रहे थे गौरव वाणी गोता यहां पर थोड़ा सा जजिंग में इशू हो गया यहां पे तारीफ करनी पड़ेगी आकाश की ऑफ का डप्पा काफी अच्छे से पकड़ के डाल रहे हैं लाइन एंड लेंथ। अच्छा शॉट एक और बार खेल दिया है उसी डायरेक्शन में फील्डर पीछे मौजूद है फील्डिंग वहां पे सराहना करनी पड़ेगी आयुष की आयुष वाणी गोता की 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए और ये क्या नो मिसफील्ड अच्छी कोऑर्डिनेशन हेज द फाइटर्स के फील्डर्स की। अगला ओवर इसी के साथ स्कोर आ पहुंचा है 6 ओवर के बाद 59 रन्स 5 विकेट के बाद निमेश वाणी गोता और गौरव वाणी गोता क्रीज पे है। बहुत ही अच्छा स्कोर अपडेट मिल चुका है यहाँ पे 59 रन्स फॉर 6 ओवर 10 की रन रेट से खेल रहे हैं और यहाँ पर हम थोड़ा प्लेयर्स के पास जाएंगे पावर प्ले का इशारा अंपायर के द्वारा यहाँ पे बैटिंग पावर प्ले ले लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर अपडेट 59 रन्स हो चुके हैं 6 ओवर के बाद और यहाँ पर 5 विकेट के नुकसान पे स्क्वेयर स्ट्राइकर के आशीष जो कि खुश हो रहे हैं किसी टीम के लिए। हम जानना चाहते हैं कि किस टीम के लिए आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप बाहर होने के बाद। हम अभी और अब गेंदबाजी संभालने आए हैं चले गए संदीप मेहता मैच मार आते हैं फिर से। चलिए थोड़ा प्लेयर्स के पास जाते हैं जो बाहर अपनी अपनी टीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं। हम बात करेंगे मनीष भंसाली से। स्क्वायर की टीम पूरी बैठी है हारने के बाद 3 मैच हारने के बाद संदीप सामने निमेश उत्कृष्ट फलंदाज संदीप यांच्याकडून
बेस्ट वर्सेस बेस्ट का मुकाबला है यहाँ पे। संदीप बता बॉलिंग गेहून निमेश समुराय हिट विकेट निमेश काफी बड़ा नुकसान यहाँ पे बॉल बस्टर्स की टीम को। उत्कृष्ट फलंदाज संदीप यांच्या कडून बॉल बैटीला संपर्क नाही आणि डायरेक्ट स्टंपला बैट संपर्क झालाय। स्कोर आप वाचा है 59 रन्स 6 विकेट के नुकसान के बाद बॉल बस्टर का निमेश वानी गोता पवेलियन पहुंचते हुए। न्यू बैट्समैन ऑन द क्रीज राकेश मेहता बॉल बस्टर से आए गए। अब स्कोर आके पहुंचा है 59 रन्स 6 विकेट के नुकसान पे। बेल्स टूट चुकी है बेल्स टूट चुकी है अंपायर कह रहे हैं कमिटी मेंबर्स ठीक है लुक इनटू द मैटर। दोनों ही टीम ओके इस चीज से। संदीप भाई ओके थैंक यू कमिटी का काम थोड़ा आसान करने के लिए। प्लेयर से पूछना चाहूंगा भावेश भाई कोई दो दिन मारवाड़ी कमेंट्री कैसा लग रहा आपको मेरी कमेंट्री कैसी लग रही है आपको भावेश भाई। यस शिखर कोई मारवाड़ी कमेंट्री करने वाला बैठा होएगा तो एक बार उससे भी माइक थमाइए। बेल सीधे ही है MH01SS7830 एक्टिवा जिस किसी का भी है उसकी चाबी यहाँ पे स्कोरर के पास मौजूद है रुपया करके ले जाइए। एम्पायर के पास दे दे। मनोज भाई किससे बात करनी है स्कोर बोर्ड वाले चाचा प्लीज जरा ध्यान दे स्टंप्स के ऊपर जो बेल्स होती है वो हमें लाकर दे हमारा टाइम ना वेस्ट करे इट्स अ रिक्वेस्ट। चलो मैच स्टार्ट करते फिर से। और यहाँ पे कमिटी मेंबर्स बेल्स ला चुके हैं। फिफ्टी नाइन रन लग चुके हैं बोर्ड पे 6 विकेट के नुकसान पे 6.1 पावर प्ले ओवर चालू है। अगला ओवर संभालेंगे यहां पर हेज द फाइटर्स है संदीप मेहता खुद। अगली बॉल संदीप मेहता तो राकेश मेहता और ये वाइड थोड़ा सा लाइन से भटके और अंपायर का इशारा वाइड बॉल इसी के साथ एक रन का मुहावजा। लेग साइड पे कट कर दिया है फील्डर मौजूद है 30 यार्ड्स के सर्कल के अंदर एक ही रन चलाने देंगे। लाइव वाला जहां भी हो सीधा खेलना था कट था वहां पे काफी शानदार कोशिश आयुष वानी को था कि वहां पे
लाइव कैमरा। अगली बॉल संदीप टू आशीष प्लीज। सीधा खेल दिया है सामने, वहां पे गौरव अनिगोता ने, एक रन ही मिलेगा। किसी की भी एक्टिवास की कीज अगर मिसिंग है तो यहां पे स्कोरर के पास से आके ले जाइए। अगली बॉल संदीप टू राकेश। अच्छा ड्राइव वहां पर राकेश भाई का, बॉल विक्रम के हाथों में, कोई चूक नहीं वहां पर, अच्छी फील्डिंग। अच्छा शॉट वहां पे गौरव का, खेलने का प्रयत्न था। अच्छी फील्डिंग आयुष की, अच्छा थ्रो, बैटिंग, फील्डिंग और ओवर की समाप्ति। स्कोर अपडेट सीकर पे स्कोर आ पहुंचा है 7 ओवर के बाद 66 रन्स, 6 विकेट के नुकसान पे गौरव वानिगोता काफी अच्छा खेल के 15 रन। सीकर सीकर हाँ जरा आप यहां पर आइए, जरा ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन करके आइए, जरा लाइव कैमरे के साथ काम यार। सीकर स्कोर अपडेट हो गया, स्कोर अपडेट कीजिए एक बार फिर से। और स्कोर आ पहुंचा है 66 रन, 6 विकेट के नुकसान पे 7 ओवर, आखिरी ओवर डालने आ रहे हैं उनके यांशु, यांशु द यंगस्टर्स बॉलर। शिखर ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट बॉल और ये गौरव ने अच्छा स्टोक वहां पर उठाकर मारा है और ये 6 पहला ही वेलकम बॉलर को 6 से। बॉल 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 चाहिए आपको, नई बॉल दीजिए, कोई अगर यहां पर है तो बॉक्स से नई बॉल दे दीजिए, यहां पर बॉल पड़ी है खुश, एक नई बॉल निकाल के दे दीजिए। आ गई बॉल, आ गई आ गई आ गई, बहुत ही अच्छा शानदार सिक्स वहां पर गौरव का। गौरव अभी तक 21 रन बना चुके हैं 11 बॉलों में, बहुत ही शानदार पारी खेली अपनी टीम के लिए उन्होंने। इसी के साथ स्कोर 72 रन पहुंच चुका है और ये विकेट, अच्छा विकेट वहां पर। गौरव वानिगोता लास्ट विकेट, 21 रन बनाए उन्होंने 12 बॉलों में, बहुत ही अच्छी इनिंग खेली, एक बार तालियां बजती रहनी चाहिए गौरव के लिए। अगली बॉल यांशु और ये मिसफील्ड, छोटी सी मिसफील्ड हुई वहां पर प्लेयर से और ये 2 रन भागने में सफल और ये रन आउट। राकेश हमारे एम्पायर के डिसीजन हमेशा 100% होते हैं, गुड एम्पायरिंग। विकेट विकेट 72 रन 7 विकेट, पहली बार हाईएस्ट विकेट 7 विकेट गिरे हैं, सबसे टॉप टेबल में टॉप टीम है बॉल बस्टर्स।
उनको पूरा बेहाल कर दिया है यहाँ पे हेज द फाइटर्स ने। यहाँ पे बॉल बस्टर्स सबको बैटिंग देना चाह रहे हैं लगता है आज। परेश वानी को ऑन क्रीज बॉल डालेंगे यांशु और अच्छा शॉट वहां पर। ओ बहुत अच्छी ट्राई वहां पे, रन आउट के चांस और एक विकेट और एक विकेट। क्या बॉल बस्टर्स 8 ओवर में ऑल आउट होगी आज। बैटिंग पे आ चुके हैं विक्रम मेहता, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि आज मुझे बैटिंग मिलेगी, लेकिन वो आज हकीकत हो गई है। बॉल बस्टर्स वर्सेस हेज द फाइटर्स, बॉल बस्टर्स ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुकी है। 64 रन बनाए अब तक बॉल बस्टर्स ने। 73। दूसरा रन आउट किया और एक चांस, थोड़ी बॉल ऊपर थी वहां पे। किरण विक्रम सबकी इच्छाएं पूरी हो गई है आज, उन्होंने जो फॉर्म भरा था आज उनके पैसे वसूल। बैट्समैन नाम चेंज करो जरा। ओहो बहुत अच्छी रनिंग वहां पे विक्रम भाई और किरण की, एक एक रन और 8 ओवर पूरे। स्कोर भावेश, और स्कोर हो चुका है 78 to win। थोड़े रन पीछे से ऊपर हो गए। सेवेंटी एट टारगेट टू विन। हेज द फाइटर्स को 7 ओवर में ये टारगेट कंप्लीट करना है। 7 ओवर में अगर ये टारगेट हेज द फाइटर्स कंप्लीट करते हैं तो फिर हम रन रेट की बारे में। बॉल वो बॉक्स में बॉल पड़ा होगा, नया बॉल।
बॉल बस्टर्स अगर ये मैच हारते हैं तो भी गौरी वॉरियर्स इन, हेज द फाइटर अगर बोनस पॉइंट के साथ जीतते हैं तो फिर रन रेट का कैलकुलेशन होगा। टारगेट यस, पहला ओवर डाले गए अनुभवी बॉलर फ्रॉम बॉल बस्टर निमेश वानीगोता, टॉप 10 बॉलर्स में चल रहे हैं क्रिक बस की साइड पर। नहीं 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 ऐसा नहीं, कुछ सोच समझ के। इम्पॉर्टेंट मैच हेज द फाइटर्स के लिए, अगर वो बोनस से जीत जाती है बॉल बस्टर से तो यहां पर रन रेट्स और ये सब कैलकुलेट होगा। और बॉल बस्टर्स के लिए दरवाजा लास्ट मैच में ही खुल चुका था। कितनी काफी टीम है यहां पर, कितने काफी अच्छे प्लेयर्स बॉल बस्टर्स में, और फेस करेंगे हेज द फाइटर्स की टीम। पहली बॉल करेंगे निमेश वानीगोता, फेस करेंगे प्रीतम वानीगोता। अच्छा शॉट वहां पे प्रीतम का, कड़क शॉट, वन स्टॉप, अच्छा स्टॉप वहां पे जितेश पाल गोता का, दो रन, बहुत अच्छा शॉट लेकिन दो रन बचा है। जितेश पाल गोता की अच्छी फील्डिंग वहां पे, अरे बोल जितेश पाल गोता जी जान से खेल रहे हैं ये मैच। अगली बॉल निमेश टू प्रीतम, वापस एक अच्छा शॉट वहां पे प्रीतम का, अच्छी फील्डिंग वहां पर बॉल बस्टर्स के प्लेयर्स से। बॉलर्स ने काफी अच्छी जगह फील्डिंग सेट की हुई है, दोनों ही बहुत अच्छे शॉट मारे थे प्रीतम ने, लेकिन फील्डर की मौजूदगी की वजह से कोई नुकसान नहीं। अगली बॉल निमेश वानीगोता की, फेस करेंगे संदीप मेहता, उनके लिए थोड़ी सी चेंजेस फील्ड्स में, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट बॉल निमेश टू संदीप, फुल टॉस, अच्छा ड्राइव, एक रन, बॉल फील्डर के हाथ में, धीमे धीमे स्कोर बढ़ता हुआ गाना, धीमे धीमे कड़क धूप यहां पर, तीसरे दिन का आखिरी मैच, आखिरी इनिंग, लो फुल टॉस थी, कुछ प्लेयर खुश होकर जा रहे हैं, कुछ निराश होकर। रीजन में खेला, दो रन की मांग और दो रन आसानी से कंप्लीट किए, यही है जिंदगी की रीत, कभी खुशियां तो कभी गम। जेमिन बोकाडिया, अच्छे फील्डर्स, अच्छे बैट्समैन, बहुत ही बड़ी ग्रोथ हुई है उनकी यूसीसी वन से लेके अभी तक। और ग्रोथ की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमें आयुष में देखने मिली है यूसीसी वन से लेके अभी तक।
नेक्स्ट बॉल निमेश टू प्रीतम. शॉट मारा अगेन अ गुड शॉट बट द फील्डर इज देयर एंड ही टेक्स द कैच. व्हाट अ कैच बाय निलेश. और प्रीतम चले पवेलियन. बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा. कैच स्पॉन्सर मैक्सॉन. और विकेट स्पॉन्सर एबी टेलीकॉम. अभी फर्स्ट मैच के मैन ऑफ द मैच आयुष आए हैं अपना जलवा दिखाने के लिए. अगले बैट्समैन आयुष वानिगोता, जिनके बारे में हम बात कर रहे थे. काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है उनका यूसीसी 1 से लेके यूसीसी 6 तक. अगली बॉल निमेश टू आयुष. अच्छा प्लेसमेंट वहां पर. रिस्पेक्ट दी बॉलर को. आयुष ने रिसीव कर दिया था बैट्समैन को कंप्लीटली. स्कोर अपडेट्स अभी. और स्कोर हो चुका है 6 रन 1 ओवर. एक ओवर में 6 रन पर 1 विकेट गवाया है इस द फाइटर्स ने. शौर्य से जैसे बात करता है ना वैसे ही कर. जैसे शौर्य से कैसे घर पे बात करता है वैसे ही कर. मानव चोपड़ा आया है बॉलिंग करने के लिए. अभी लेफ्ट आर्मर बहुत ही फास्ट डालते हैं. ऑफ साइड पे फुल रखने का कोशिश रखते हैं हर बार. अगला ओवर मानव और फ्लक्स चोपड़ा. संदीप मेहता के लिए फील्डिंग प्लेसमेंट हो रही है यहाँ पर. एक खौफ है 122 प्लेयर को संदीप मेहता का होना भी जरूरी है. अच्छा लो फुल टॉस पर कवर के रीजन में खेला 1 रन के लिए. और ये छोटे छोटे कदमों से हमें मैराथन दिखता हुआ पहली बार 2 लड़कियों के पीछे 1 लड़के को भागते हुए देख रहा हूं. अगली बॉल लक्ष चोपड़ा टू आयुष वानिगोता. यॉर्कर का यॉर्कर डाला. और ये छोटी सी मिस फील्ड यहां पर बॉल बस्टर्स के फील्डर्स से. और यहाँ पर रन 1 से 2, 2 से 3. बहुत ही अच्छी रनिंग फिटनेस बहुत ही अच्छा है लोग का.
कितने रन भागे? दो रन, तीन भागे ना? हेज द फाइटर्स की पूरी जिम्मेदारी संदीप के ऊपर है. संदीप और आयुष जो दोनों बैटिंग कर रहे हैं बैट्समैन, हेज द फाइटर्स को अगर ये मैच जीतना है तो. अच्छा शॉट वहां पे संदीप का, अच्छा शॉट और ये अच्छा फील्ड फील्ड वहां पे और ये अपने नो फोर के लिए दो रन बचाए उन्होंने. बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पे गौरव की, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पे. दूसरा कोई प्लेयर होता तो चौका था ये. यही है बॉल बस्टर की एक कहानी, बैट्समैन बॉलिंग फील्डिंग ऑलराउंडर बैट्स उन सब है प्लेयर्स उनके टीम में. अच्छा शॉट वहां पे संदीप मेहता का, कोई प्लेयर मौजूद नहीं किसी प्लेयर के पास, इस शॉट का जवाब नहीं. एम्पायर थोड़ा टाइम का ध्यान रखे, दोनों ही टीम को इन्फॉर्म कर दीजिए हमारे पास टाइम कम है. चौका स्पॉन्सर्स बाय मोक्ष इन्फोसिस. थोड़े ही बॉलर नाखुश नाखुश होते हुए लक्ष्य चोपड़ा अपने फील्डर से, उन्होंने उनको पीछे खड़ा रहने को कहा था, उसके हिसाब से उन्होंने बॉलिंग की. लक्ष्य एक बार फिर संदीप ने घुमा दिया है वहां पे, फील्डर मौजूद राकेश मेहता वहां पर. अच्छा राकेश भाई अपने हाइट के इस्तेमाल करने में सफल हुए. हे इज द फाइटर्स के बल्लेबाज. संदीप अपने लह में आ चुके हैं और ये मैच में उनको आना ही होगा. अगर ये मैच में परमार का ओवर अभी तक बाकी है, निमेश का फाइटर्स को जीतना है तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग लाइनअप है यहाँ पर बॉल बस्टर्स की टीम के पास. एक नहीं तो दो, दो नहीं तो तीन, तीन नहीं तो चार, और अगर चार कम पड़े तो भावेश रेडी है पांच से सात बॉलर्स के साथ बॉल बस्टर अपनी टीम लेकर आती है. उतने ही बैट्समैन है उनके पास, ऑलराउंडर्स है. अगली बॉल लक्ष्य टू संदीप, फिर से मार दिया वहीं पर सेम शॉट, और इस बार मुझे नहीं लगता है किसी प्लेयर के पास इस चौके का जवाब हो. चौका, अच्छा शॉट वहां पर, चौका चौका स्पॉन्सर्स बाय. अच्छा ओवर इज द फाइटर्स के लिए ये, और कुल स्कोर हो चुका है. क्या है जितेश भाई आपको स्कोर? स्कोर हो चुका स्कोर है अपडेट 22-1 टू ओवर्स. ऐसे ही हेज को खेलना होगा ये मैच में अगर उनको अपनी पकड़ मजबूत करनी हो तो, और उसके लिए संदीप और आयुष से बेटर कोई बैट्समैन हो ही नहीं सकते हैं. आज तो आज का ये चौथा मैच है, ऑलरेडी दो टीम क्वालिफाई हो चुकी है हमारी, बॉल बस्टर्स और शारजा स्ट्राइकर्स. आरएसएस और एनआई ब्लास्टर्स के बीच में वोटिंग चालू है, लोगों के वोट्स आ रहे हैं, देश से नहीं परदेशों से भी वोट आ रहे हैं. हम वोट काउंटिंग करके 4:30 को अनाउंसमेंट करेंगे कि कौन से टीम को ज्यादा वोट्स मिले हैं. हम क्योंकि दोनों के पास पॉइंट्स सेम है और रन रेट भी सेम है तो हम वोटिंग कर रहे हैं. बॉल बस्टर्स और शारजा स्ट्राइकर्स के ओनर्स और कैप्टन सभी प्लेयर्स को कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा खेले आप. और आज अगर हेज द फाइटर्स 7 ओवर में ये मैच कंप्लीट करते हैं तो हम रन रेट चेक करेंगे गवली वॉरियर वर्सेस हेज द फाइटर्स का. थोड़ा सा लक्ष्य भारी है क्योंकि बॉल बस्टर्स ये बॉलिंग लाइनअप बहुत ही अच्छी है. एम्पायर प्लीज टाइम की ध्यान रखे, टाइम का. हाँ अंपायर दोनों ही टीम को. संदीप खेल रहे हैं 14 रन्स पे, आयुष को अब तक दो ही बॉल मिली है फेस करने की. हम आयुष को जो पहले मैच में उन्होंने जलवा दिखाया था, हम चाहते हैं आयुष एक बार फिर
ये मैच में। और ये घुमाना चाहते थे लेकिन वहां छू के आयुष माशुक की बॉल पर। पहले ही मैच में आयुष मैन ऑफ द मैच थे। ये काफी इंपॉर्टेंट ओवर है बॉल बस्टर्स के लिए। ओहो प्ले एंड और ये वाइड बॉल, वाइड बॉल। ये बार प्लेयर्स ने बहुत कंट्रोल किया हुआ है अंपायर के डिसीजन पे, बहुत अच्छी बात है ये। सेम शॉट सेम बॉलिंग लेकिन ये और ये बहुत ही अच्छा कमबैक, बहुत ही अच्छी डॉट बॉल यहाँ पर माशुक वरदान की। आयुष के पास कोई जवाब नहीं माशुक की लाइन लेंथ और पेस का। एक ही शॉट आयुष ट्राई कर रहे हैं और ये कनेक्ट हुआ है, फील्डर मौजूद वहां पर। एक रन मिलेगा और दो रन भागने की कोशिश सफल हुए, बहुत अच्छी रनिंग वहां पे। आयुष और संदीप अच्छे रन रेट के साथ यहाँ पर हेज द फाइटर्स खेल रही है अभी तक। स्कोर अपडेट्स 25-1 और ये एक एक डॉट बॉल हेज द फाइटर्स को बहुत भारी पड़ सकती है। एटलीस्ट उनको हर एक बॉल में एक एक रन तो बनाना होगा, स्ट्राइक को चेंज करना होगा। संदीप भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, उनको भी बैटिंग देनी होगी यहाँ पर हेज द फाइटर्स का। अच्छी बॉल यहाँ पर माशुक वरदान की ये ओवर में और ये एम्पायर का डिसीजन वाइड, वाइड। अगली बॉल माशुक टू आयुष, अगली बॉल माशुक बैटिंग पे आयुष। और ये घुमा दिया हवे में, दो फील्डर्स वहां मौजूद और गौरव के हाथों में कैच। लक्ष चोपड़ा, लक्ष सिर्फ बहुत ही बेहतरीन कैच यहाँ पर लक्ष का। कैच स्पॉन्सर मैक्सिलॉन, विकेट स्पॉन्सर एबी टेलीकॉम। बहुत ही सेफ हैंड है आयुष, यही शॉट पहली बॉल से ट्राई कर रहे थे, तीन बॉल तो वो बच गए, चौथी बॉल पे वो आउट हो गए। और आकाश, आकाश की बहुत जरूरत है इस द फाइटर्स को। बॉल कितना हुआ वो पूछ रहे होंगे, पांच बॉल हो गई अंपायर, पांच बॉल, लास्ट बॉल बता रही है। हमारे कप स्पॉन्सर्स खुशी का मौका, जर्सी स्पॉन्सर्स राज टेलीकॉम, हमारे लाइव स्पॉन्सर्स अष्टापद प्रॉपर्टीज, हमारे वाटर स्पॉन्सर्स जय गुरुदेव। अगली बॉल, हेलो, अच्छा प्लेसमेंट किया वहां पर आकाश ने और स्ट्राइक रोटेट की संदीप के लिए। धीरे तीन ओवर 27-2 अगले चार ओवर में ये स्कोर को चेस करना है हेज द फाइटर्स को बोनस पॉइंट से जीतने के लिए। अगर बोनस पॉइंट से जीतेंगे तो ही उनके कुछ चांसेस है क्वालिफाई होने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी गवली वॉरियर्स एक मैच बोनस पॉइंट के साथ जीत चुका है। एम्पायर से रिक्वेस्ट है दोनों ही टीम के लिए अलर्ट कर दे टाइम के लिए, हमें 6 ओवर का मैच करना पड़ सकता है। इज द फाइटर्स ऑलरेडी एक मैच जीती हुई है ये टूर्नामेंट में, गवली वॉरियर्स विथ 5 पॉइंट्स, बॉल बस्टर्स विथ 6 पॉइंट्स, इज द फाइटर विथ 2 पॉइंट्स।
ए स्क्वायर स्ट्राइकर्स ये टूर्नामेंट से बाहर, ट्रायो पावर भी ये टूर्नामेंट से बाहर, बाकी सब टीम्स में कैलकुलेशन बाकी है। अगली बॉल जितेश पाल गोता, अच्छा शॉट वहां पर आकाश का, विकेट कीपर को चकमा दिया उन्होंने। जितेश भाई का ये जो एक्शन है, ये एक्शन को प्रैक्टिस करने के लिए उनको 3 साल लगे और 3 साल के बाद अभी वो बॉलिंग कर रहे हैं टूर्नामेंट में। ये एक्शन को अगर कोई कॉपी कर दे तो उसके तरफ से, जितेश भाई के तरफ से उनको एक गिफ्ट मिलेगा। यूपीएस बार बार ये एक्शन को देखिए, उनका खाली एक्शन देखिए, बॉलिंग एक्शन बहुत ही लाजवाब बॉलिंग एक्शन है उनका। मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब बॉलिंग पर बॉलर्स आए तो दीपक पालगोता को याद कीजिए टाइमिंग के लिए। बॉलिंग एक्शन में वो नीचे देखते हैं तो भी बॉल परफेक्ट स्टंप पे जाती है, आप बार बार इसको जूम करके देख सकते हो उनके बॉलिंग एक्शन को। जैसे ही वो बॉल कंप्लीट करते हैं वो नीचे देखते हैं लेकिन बॉल सही स्टंप पे जाती है। जितेश पाल को था बैटिंग पे। ओहो समझ में नहीं आया, यहां पे आकाश को बॉल कट करना चाहते थे लेकिन चूके। अगली बॉल एक बार फील बैक टू बैक और ये अपील, दक्ष की अपील, अंपायर को कोई इंटरेस्ट नहीं उनके अपील पे। सिक्स मारना चाहते थे लेकिन बॉल को कनेक्ट ही नहीं कर पाए वो, दो डॉट बॉल्स बैक टू बैक। तीसरी डॉट बॉल बैक टू बैक, एक बार जीतू भाई मैं यहां पर चाहूंगा आप इक्वेशन बता दें। इक्वेशन कितने में कितना मारना है एज को, ये सिक्स के बाद बोलूंगा रुको। ओहो हो सिक्स क्या, और ये तो लक्ष्य को मिला अपना गिफ्ट, बेहतरीन गिफ्ट आकाश ने दिया उनको लक्ष्य में सजाकर। जीतू भाई जितेश भाई की एक अच्छी बॉलिंग यहाँ पर, अच्छा विकेट मिला उनको अपनी टीम के लिए। 29 for 3 और टोटल स्कोर अभी हो चुका है 25 balls 49 runs 25 balls 49 runs 24 balls 49 runs हेज को क्वालिफाई करने के लिए 18 balls 49 runs हेज को क्वालिफाई करने के लिए 18 बॉल में 49 runs मारने होंगे। क्वालिफाई करने के लिए नहीं, उसके बाद हम रन रेट देखेंगे। अच्छा क्वालिफाई का हमको लास्ट में पता चलेगा। अच्छा ये खाली बोनस पॉइंट के लिए, और बॉल बस्टर्स को अगर बोनस पॉइंट से जीतना है उनको कुछ इतना टेबल में फर्क नहीं पड़ेगा, अगर वो बोनस पॉइंट से जीते या ऐसे मैच जीत लिए वो टेबल टॉप पे। हाँ जीतू भाई आपने खाली 2 रन दिए 1 विकेट लेके, पूरे टीम का स्कोर है 29 for 3 4 over 29 for 3 बॉल बस्टर्स अभी तक पूरे टूर्नामेंट में डोमिनेट करके हुए, पहली ऐसी टीम है जो ऑलरेडी 2 मैच विद बोनस पॉइंट जीते हैं और तीसरा मैच भी बोनस पॉइंट के साथ जीत सकते हैं। उनके पास जो बॉलिंग लाइनअप है, संडे को मजा आएगा, कौन इनको टफ देगा, कौन इनको टक्कर देगा। पहला मैच तो फिक्स हो चुका है, शारजा स्ट्राइकर्स वर्सेस बॉल बस्टर्स, दोनों ही स्ट्रॉन्ग टीम, दोनों ही टॉप टीम। एक की बैटिंग लाइनअप मजबूत है तो दूसरे की बैटिंग और बॉलिंग और फील्डिंग तीनों मजबूत है। एक शेर दूसरा सवा शेर, एक शेर तो दूसरा सवा शेर। नंबर 3 पे या तो NIRSS खेलेगी या तो हेज या गवली वॉरियर्स खेलेगी। आखिरी 30 मिनट्स बचे हैं, वोटिंग चालू है, जिस किसी को भी वोट करना है RSS और NI ब्लास्टर्स को वोट कीजिए, जिसको ज्यादा वोट्स मिलेंगे वो टीम क्वालिफाई होगी। वोटिंग्स चालू है हमारी।
अच्छा शॉट मारना चाहते थे, मिस हुआ वहां पर। वाइट बॉल बस्टर्स एक्स्ट्रास पे बहुत उनका कंट्रोल होता है। अगली बॉल माशुक टू संदीप, और लक्ष्य एक्सप्लेन करते हुए कैसे क्या करना है, कैसे विकेट लेना है संदीप भाई का। बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर है लक्ष्य और माशुक दोनों। और ये अपील, और ये अपील वाइड इज द कॉल, वाइड इज द कॉल। अच्छे डिसीजन यहां पर हमें एम्पायर के मिले, फेयर डिसीजन। अगली बॉल माशुक, एक भी मिस फील्ड अब तक हमको बॉल बस्टर्स की देखी नहीं है पूरे टूर्नामेंट में। जो उनके कोच ने उनको ट्रेनिंग दी है, लाजवाब ट्रेनिंग दी है उनको। बॉल बस्टर्स, इनका नाम है बॉल बस्टर्स, लेकिन अभी ये टूर्नामेंट को बस्ट कर रहे हैं। अच्छा शॉट वहां पर, लेकिन एक ही मिलेगा निमेश वाणी को। ये देखिए इनका थ्रो, देखिए डायरेक्ट स्टंप पे थ्रो। आगे वाले प्लेयर्स अगर सोचे भी तो भी नहीं भाग पाएंगे। हेलो, नो बॉल, नो बॉल, या फ्री हिट। ही इज द फाइटर्स फ्री हिट। पानी खत्म, क्या मैच खत्म हो गया, अभी क्या पानी देगा। एक काम कर, वो सब बॉटल में ये पानी भर ले फटाफट, चला जा। रुक 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 रुक, वहां मनोज आ रहे, मनोज स्कोर हो चुका है 38-43, पांचवा ओवर चालू है। धीरे धीरे हेज, और एक अपील, और ये आउट, बैट्समैन खुद निकल गए हैं। जैसे ही संदीप निकल रहे हेज की उम्मीद है, ये धीरे धीरे गिरती हुई यहां पे। हेज के इनफॉर्म बैट्समैन संदीप पवेलियन लौटते हुए, जैसे ही संदीप लौटे आयुष लौटा, धीरे धीरे हेज की उम्मीद भी यहां पे गिरती हुई। बॉल बस्टर एक बार फिर क्या बोनस पॉइंट के साथ जीतेंगे ये मैच। हाँ, हम देखना चाहेंगे राकेश भाई कुछ बॉलिंग करें यहां पे, बॉलिंग के लिए वार्मिंग अप कर रहे हैं। कुछ बॉलिंग राकेश भाई भी करें यहां पे, हम देखना चाहेंगे उनकी बॉलिंग। हाँ कैप्टन, हमारी बात सुने, प्लेयर राकेश भाई बोल रहे कि भाई कैप्टन को थोड़ा उलसाओ। बॉल बस्टर्स शारदा स्ट्राइकर्स। दिलीप भाई क्या हुआ, एनआई और आरएसएस के वोट्स काउंट हुए कि नहीं हुए, अभी तक वोट्स काउंट हो रहे हैं। ओहो, और ये अपील, संडे को 1 बजे हमने मैच रखा हुआ है, कप स्पॉन्सर्स वर्सेस जर्सी स्पॉन्सर्स। सब लोग ग्राउंड में आइए और कप स्पॉन्सर्स और जर्सी स्पॉन्सर्स को
सपोर्ट कीजिए। धीरे धीरे जैसे ही हेज द फाइटर्स में उम्मीदें कम हो रही है और उतने ही गवली वॉरियर्स धीरे धीरे खुश होते हुए यहां पे हेज द फाइटर्स अगर ये मैच हारेगी तो गवली वॉरियर्स आर इन, तो दो टीम हमको ग्रुप बी की मिल जाएगी। स्कोर हो चुका है 39-4 आफ्टर 5 ओवर्स। After 5 overs, 39-4। ओहो, और कमेंट्री और राकेश भाई आपकी फरमाइश हमने कैप्टन ने पहुंचा दी और हम देख रहे हैं राकेश भाई, लेकिन वाइट मत डालना, हमारे पास टाइम कम है। हाँ बस, बाकी आपकी फरमाइश हमने कैप्टन तक पहुंचा दी। अगली बॉल राकेश भाई फ्रॉम बैंगलोर एंड बॉलिंग करेंगे, फ्रॉम बैंगलोर एंड टू मुंबई एंड। पहली ही फुल टॉस, विक्रम इसका कोई फायदा नहीं उठा पाए और राकेश भाई को लगता है कि कैच मिस हुई है उनके बॉल पे, कैच मिस हुई है राकेश भाई को लग रहा है उनकी बॉल पे। मुझे लग रहा है मिनिमम 5 से 10 साल के बाद ये बॉलिंग कर रहे हैं। अगली बॉल जिसका हमको था डर वो ही कर रहे हैं बॉलर यहां पे हमको डर। अगली बॉल राकेश घुमा दिया है, क्या उनको 10 साल के बाद पहला विकेट मिल सकता है, और मिल चुका है राकेश भाई को। राकेश भाई को ये बहुत अच्छी रनिंग कैच वहां पे डश पाल गोदा की, राकेश भाई को विकेट मिल चुका है 10 साल के बाद एक बार फिर वो बॉलिंग करने आए और उनको विकेट मिल चुका है। और हमारे विकेट स्पॉन्सर्स एबी टेलीकॉम, कैप स्पॉन्सर्स मैक्सेलॉन 41 for 5। 10 की जो रनिंग कैच है आप इसको बार बार यूट्यूब में दे सकते हो। लास्ट है, 2 ओवर बाकी है। आधी टीम घर पहुंच चुकी है एज द फाइटर्स की, 5 विकेट ऑलरेडी हो चुके हैं और हेज द फाइटर्स की उम्मीदें भी धीरे धीरे यहां पे कम हो चुकी है। सपोर्टर्स हेज द फाइटर्स के थोड़े नाखुश और उतने ही खुश सपोर्टर्स बॉल बस्टर्स के। यहां पे क्या ये दूसरा विकेट मिल सकता है, हमको माशुक वर्धन को जंप मारने की अपेक्षा थी यहां पे, लेकिन उन्होंने अपनी बॉडी को फाइनल के लिए बचा के रखा है, सेमीफाइनल के लिए कोई भी रिटायर हट नहीं होना चाहता यहां पे। राकेश वर्सेस विक्रम और अपील राकेश भाई की यहां पे बहुत अच्छी बॉलिंग, डॉट बॉल। अंपायर कैप्टन आप देख लीजिए, हमको सेमीफाइनल में भी राकेश भाई चाहिए बॉलिंग पे। घुमा दिया है वहां पे, प्लेयर्स आराम कर रहे थे, बॉल बस्टर्स के प्लेयर्स। चौका 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 स्पॉन्सर्स बाय मोक्ष एनफोर्सेस। राकेश भाई की बॉलिंग में 2 लोगों का फायदा हो रहा है, एक तो राकेश भाई को बॉलिंग मिल रही है, दूसरा विक्रम भाई का चौके जा रहे हैं, तो अगले ऑक्शन में ये बंदे लाखों में जाने वाले हैं वहां पे। ओहो हाँ, कंफर्मेशन हो गया, कौन सी टीम है दूसरी? पहली टीम तो शारजा स्ट्राइकर्स है सेकंड, और हमको अपनी वोटिंग पोल्स के बाद मालूम पड़ चुका है कि दूसरी टीम भी हमको मालूम पड़ गई है यहां पे। 1,01,111 वोट्स मिले हैं आरएसएस मारुति मार्वल्स को, 1,11,095 वोट्स मिले हैं, खाली 5 वोट कम मिले हैं एनआई ब्लास्टर्स को, तो हमको हमारी दूसरी टीम, हमको तीसरी टीम भी मिल चुकी है आरएसएस मारुति मार्वल्स।
हमारी थर्ड क्वालिफाइंग टीम सेमीफाइनलिस्ट के लिए। डीजे 6 ओवर 47 फॉर 5, खाली 5 वोट कम मिले हैं एनआई ब्लास्टर्स को। चौथी टीम भी आने की तैयारी में है, लेकिन अभी तक पिक्चर बाकी है। मनोज भाई, ये ओवर के बाद चौथी टीम भी हमको मालूम पड़ जाएगी। खाली 5 वोट कम मिले हैं यहां पे एनआई ब्लास्टर्स को। और ये बैटिंग पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले। ए भावेश माइक, भावेश माइक किधर है? माइक उधर ही पड़ा होगा ना। तीसरी टीम आरएसएस मारुति मार्वल्स क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल 19 तारीख को 11 बजे उनका मैच है। हाँ, अगर 5 बॉल में 5, अगर 5 बॉल में 5 सिक्स अगर हेज द फाइटर्स मारते हैं तो वो क्वालिफाई हो सकते हैं सेमीफाइनल में, वरना गवली वॉरियर्स विल बी अ फोर्थ टीम टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल। पहला मैच सुबह 9:30 बजे शारजा स्ट्राइकर्स वर्सेस बॉल बस्टर्स। कैच एंड ये इज द मैच। चौथी टीम भी हमको ऑलमोस्ट क्वालिफाई हो चुकी है हमारी, क्योंकि 4-5 बॉल में 5-6 चाहिए थे, अभी 4 बॉल में 5-6 तो पॉसिबल नहीं है। पहला मैच सुबह 9:30 बजे बॉल बस्टर्स वर्सेस शारजा स्ट्राइकर्स। सेकेंड मैच 11:15 को आरएसएस मारुति मार्वल्स वर्सेस ? हमको ऐसा कोई भी चीज नहीं करनी है जिससे बाद में नो बॉल आ गई, वाइट बॉल आ गई, बारिश आ गया, बाढ़ आ गई, कुछ भी हो सकता है। पहले से हम क्वालिफाई का नाम नहीं ले सकते। मनोज भाई का फ्लाइट का टिकट काम आ गया है आज। मनोज भाई सुबह 7 बजे की फ्लाइट पकड़ के रात भर ट्रेवलिंग करके खाली मैच खेलने आए हैं, और भगवान ने उनकी सुन ली, उनकी टीम ऑलमोस्ट सेमीफाइनल के क्वालिफाई हो चुकी है। और ये नीलेश को हो, एक और विकेट यहां पे बॉल बस्टर्स की टीम नाचती हुई ग्राउंड पे। हमको हमारी चौथी टीम, दिलीप भाई अनाउंसमेंट करो चौथी टीम। हाँ, हमको हमारी चौथी टीम गवली वॉरियर्स सेमीफाइनल में आ चुकी है। पहला मैच 9:30 शारजा स्ट्राइकर्स वर्सेस बॉल बस्टर्स, दूसरा मैच 11:15 आरएसएस मारुति मार्वल वर्सेस गवली वॉरियर्स, उसके बाद कप स्पॉन्सर वर्सेस जर्सी स्पॉन्सर्स, उसके बाद ग्रैंड फिनाले में हमने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस रखे हुए हैं। हम सभी व्यूअर्स को बोलते हैं टाइम पे आ जाए मैच देखने के लिए। 1 रन 2 रन, हाँ हाँ, आशीष भाई का ये चौका हो सकता था, पहला चौका। बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं आशीष भाई यहाँ पे। हेलो आशीष पाल गोता को बैटिंग मिली है आज। 4-5 प्लेयरों को आज पता ही नहीं था कि उनको बैटिंग मिलेगी, उसमें से एक विक्रम भाई है, एक किरण है, आशीष भाई है। ओहो, और ये लगा झटका। विकेट स्पॉन्सर्स एबी टेलीकॉम्स। आशीष भाई धीरे धीरे मायूस होते होते ग्राउंड के बाहर। आखिरी ओवर, हाँ, निमेश
निमेश ये टूर्नामेंट के टॉप बॉलर पे चल रहे हैं। यहाँ पे विकेट कितने हुए निमेश भाई के? भाई छह विकेट हो चुके हैं ये टूर्नामेंट में, ज्यादा ही हुए होंगे भाई, ज्यादा हुए होंगे, आठ हुए, आठ सात 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 विकेट पे खेल रहे हैं। सेवन ओवर 52 रन्स आफ्टर सेवन ओवर 52 रन्स एट विकेट्स परफेक्ट। सेवन ओवर्स 52 रन्स एट विकेट। एनआई ब्लास्टर्स जो लास्ट ईयर के विनर थे ये बार क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल फिर वो टीम ले और वो टाइम पे क्वालिफाई करे। मनीष बंसाली जो एंड स्टार्टिंग से लेके एंड तक खेले, कुछ कैलकुलेशंस और टीम टूर्नामेंट से बाहर। लक्ष्य चोपड़ा हेज द फाइटर्स को धीरे धीरे ऑलवेज। लास्ट पांच बॉल बची है यहां पे, पहला मैच डे थ्री भी कंप्लीट होता है धीरे धीरे आता हुआ। यहां पे यूसीसी के डे थ्री कंप्लीट और लास्ट डे फोर 19th मार्च संडे को सुबह 9:30 बजे हम आपका वेट करेंगे ग्राउंड में। और ये विक्रम की पहली कैच हो सकती थी, डेब्यू कैच। जितेश पाल को था उनको समझाते हुए कोई टेंशन नहीं, अपनी टीम तो क्वालिफाई हो चुकी है, भले ही कैच नहीं पकड़ी तो क्या हुआ, मैच तो हमने पकड़ लिया है। ओहो हो, अभी खाली उम्मीदें रह चुकी हैं, अभी तो उम्मीदें भी नहीं है। He is the fighters, be tournament से बाहर। एंड आई ब्लास्टर्स आउट, वेल प्लेड। He is the fighters, वेल प्लेड। ट्राय पावर, वेल प्लेड। एंड ए स्क्वायर स्ट्राइकर्स ऑल्सो वेल प्लेड। आशा करते हैं अगले साल फिर आप ओनर टीम ले और अगले साल इससे भी बेटर आप परफॉर्म करें। आखिरी बॉल, और ये मैच विकेट विकेट। और बॉल बस्टर्स हैव वॉन द मैच विद द बोनस पॉइंट्स। बातों के साथ, नए नए मैचों के साथ और